हुआ हुआ नहीं है था। चल 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 एक मिनट वाइट नहीं है, वॉम है, वॉम है। अरे मिक्स है। सब थोड़ा सा पीछे सब।
अरे आना आगे पीछे हो जाओ आगे सिकुड़ जाओ ओके चलो ओके चलो रोल है सबका थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू थैंक यू यू नो यू नो 700 अपने आप में बहुत बड़ी मेमोरी होती है एंड एक प्रिविलेज मोमेंट होता है एंड ढेरों सारी यादें होती हैं तो आज का ये जो मोमेंट है कैसे सेलिब्रेट हमने देखा आप लोगों को जी कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है आप लोगों के लिए 700 एंड क्या कुछ मेमोरी साथ ही साथ रहती है 700 के साथ बहुत सारी मेमोरीज है बहुत सारे सीन्स हैं जो बहुत मुश्किल थे करना जो हमने कर लिए जो हो गए डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल थे एक्ट करना बहुत मुश्किल थे डिवाइस करना बहुत मुश्किल थे ऐसे ऐसे सीन किए हमने राब्ता का हमेशा से ड्रामेटिक क्वेश्चंस हाई रहे हमेशा से बहुत ज़्यादा ड्रामा रहे और आई थिंक समहाउ शुरू में तो बहुत डर लगता था कि ये सीन कैसे होंगे बट आई थिंक करते 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 700 एपिसोड कब निकल गए पता ही नहीं चला माँ कब इस शो ने हमारे आत्मा को छू लिया पता ही नहीं सच में और एक्चुअली जब शुरुआत की थी तब किसी ने सोचा ही नहीं था कि मतलब कहाँ तक जाना है नहीं तो यू नो यूजुअली लोग सोचते हैं कि बस इतना हमारा टारगेट है हमें ये रीच करना ही है वी नेवर रियली हैड अ टारगेट हम बस चलते गए और अभी तक चल रहे हैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एंड आई थिंक सिर्फ शो का नाम राब्ता नहीं है सारे यूनिट के मेंबर्स के साथ ही इतना अच्छा राब्ता बना है हमारा कि वो पता ही नहीं चला है कब शुरू भी कब 3 साल होने को मतलब जब हम आउटडोर भी शूट कर रहे थे इट वाज वेरी डिफिकल्ट यू नो शूटिंग ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक बट जस्ट बिकॉज वी वर टुगेदर वी कुड सर्वाइव इट ऑल ऑल्सो ऑनेस्टली जब ये स्टोरी पता लगी थी मुझे कि ये ऐसी कहानी है तो मैंने सोचा कहानी तो बहुत अच्छी है एक माँ बेटी कहानी है उसमें एक ऐसा लड़का आएगा बीच में ये सब होगा लेकिन चलेगा कब तक आजकल तो शो चलते नहीं हैं एक साल भी चल जाए तो बहुत है फिर हल्के हल्के जब शो करना शुरू किया फिर टीम से मिले लगा फिर के शो ख़त्म ही ना हो आए दिन न्यूज़ आते हैं कि अब रे डेट आने वाली है अरे शो बंद हो जाएगा अरे ये होगा हमने कहा छोड़ो अब जो होगा देखा जाएगा यहाँ तक पहुँच गए आगे जब चलना होगा चलते जाएंगे अच्छे से काम करते रहो बस दैट्स ऑल इट इज एंड इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी नहीं मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमारी प्रोड्यूसर डायरेक्टर राइटर हमारी पूरी राब्ता की जो टीम है ना उनकी वजह से ये शो आज ये 700 एपिसोड्स हमने देखे हैं और ये हमारा जो अलग से राब्ता बन गया ऑडियंस के साथ और हमारी टीम के साथ हम चाहते हैं कि ये ऐसे ही चलता रहे इट इंक्लूड्स द एंटायर टीम पूरी टीम मतलब स्पॉट से लेके प्रोड्यूसर तक द एंटायर टीम इट मींस अ लॉट एंड ऑलमोस्ट 80% ऐसे यूनिट के मेंबर्स है जो पहले एपिसोड से हमारे साथ हैं अभी भी तो ऐसे बहुत बार होता है कि सब चेंज होते रहते हैं शफल होते रहते हैं पर 80% ऑफ द यूनिट इज सेम फॉर सेम सेम सो आई थिंक सेलिब्रेशन स्टार्ट हो चुका है नाउ केक कटिंग के साथ और आज की शाम या और अपनी का सेलिब्रेशन होने वाला 700 ये पूरे हफ्ते तक तो चलता रहेगा ऑनेस्टली राब्ता एज अ फैमिली जो हम लोग बस रोज सेलिब्रेट करते रहते फॉर सम रीजन कभी पैकों के बाद कॉफी पीने चले गए तो कभी किसी के घर मिल गए हमारा कभी सेलिब्रेशन कभी नहीं रुकता आप कुछ कहना चाहते हैं शी इज जॉइंड अस अभी एंड शी इज मिसिंग हर फ्रेंड इसलिए वो चुप है वरना जब दोनों एक साथ होते हैं तब इन दोनों को चुप करना मुश्किल हो जाता है उसकी खुशी उसके चेहरे पर ये शो और गुड्डन एक साथ लॉन्च हुआ था गुड्डन ऑफर हुआ आप लोग का शो हिट जा रहा है क्या बोलना चाहेंगे हम गुड्डन के लिए स्टार्ट फील करते हैं गुड्डन अच्छा शो था ऐसा कोई खराबी नहीं थी किसी शो में कनिका ने भी अच्छा काम किया था निशान ने अच्छा काम किया था अब जिसकी जितनी किस्मत होती है एंड ऑनेस्टली हर शो की स्टोरी पहले से डिसाइडेड होती है कि हम वो कितना एक्सटेंड करना चाहते हैं काफ़ी ऐसे शोज होते हैं जो एक्चुअली नहीं एक्सटेंड करना चाहते हैं बिकॉज दे वांट टू एंड इट इन अ सर्टेन वे तो हो सकता है कि वो शो इसलिए बंद हुआ नॉट नेसेसरी दैट कि यू नो कॉम्पिटिशन चल रहा था एंड यू नो इट कुड नॉट कीप अप विद अस ऐसा नहीं है कई शोज की स्टोरी लिमिटेड रहती है एंड आई थिंक गुड्डन वाज वन ऑफ दैट शो टीआरपी बेस्ड हमने कभी टीआरपी सूची काम किया नहीं था काम अच्छा करते चले गए तो टीआरपी बढ़ती चली गई खुद ब खुद ऐसा दो महीना कितना है दो महीना था नंबर वन आई थिंक लेकिन हमने सोचा नहीं था कि जाएगा भी इतना ऊंचा लेकिन चला गया स्टोरी अच्छी स्टोरी लाइन अच्छी थी सीन्स अच्छे हो गए तो अच्छा चलता चला गया अच्छी चीज लोग देख रहे हैं तो आई थिंक वो वैसे ही अपने आप चलेगी
उसमें ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट्स हाउ इट इज। बाकी हम यहाँ यार घुटन की बात अभी तो। एंड ये जो रास्ता स्टार्ट हुआ है मतलब 700 तक, और आप लोग कितना चाहते हैं कि ये कहाँ तक ये जर्नी जाए? यार ये 4 डिजिट हो जाए हम तो उसका भी वेट कर रहे हैं, हमसे पूछेंगे तो ना हो। इस मामले में हम बहुत ग्रीडी है, हम तो चाहते हैं कि ये रास्ता खत्म ही ना हो, चलता जाए। स्पेशल थैंक यू फैंस के लिए जरूर है, लेकिन उन्होंने बहुत मोटिवेट किया है, चाहे टीआरपी हाई रही हो चाहे लो रही हो, फैंस आर मोटिवेटेड अस अ लॉट ड्यूरिंग दिस। People have even on social media, रोज कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, वीडियोस बनाते हैं हमारे जो हमें भी पता नहीं होता, एंड हमसे मतलब इक्वल एफर्ट्स वो लोग भी ले रहे हैं हमारे लिए। मतलब उन्होंने इतने अच्छे अच्छे वीडियो बना के भेज दिए कि मैं राब्ता का खुद फैन हो गया। सीरियसली हम एक्चुअली राब्ता के सबसे बड़े फैन हैं और गिफ्ट्स भेजते हैं। बहुत प्यार मिलता है मुझे, और एक बड़ा रीज़न शो के अभी तक चलने का वो प्यार ही है। आई थिंक ऑडियंस से जो कनेक्ट बना है बिकॉज ऑफ राब्ता शो, that has been a reason why ye 700 ka thank you thank you thank you thank you cake khake jao।